गुरुवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार के नेतृत्व में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस के सभागार में श्री अरोबिंदो योग प्रशिक्षण द्वारा समग्र योग की ट्रेनिंग दी गई, जिससे पुलिस कर्मियों को अपने कार्य एवं अपने परिवार को समय दे पाए और अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए तत्पर रहकर अपनी देश सेवा में निशावर कर सके। इस पर मंथन किया गया, जिसके संबंध में SP सिटी सोनम कुमार ने बताया कि अरोबिंदो द्वारा योग प्रशिक्षण की ट्रेनिंग दी गई है, क्योंकि पुलिस के जीवन में बहुत ही तनाव रहता है और दिन पर दिन सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ता जा रहा है तथा लोगों की एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, जिससे पुलिस कर्मियों को अपने प्रोफेशनल वर्क के साथ में अपने पर्सनल जीवन को कैसे बैलेंस करना है, इसे योग के माध्यम से बताया गया। इस दौरान योग प्रशिक्षण क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP सिटी सोनम कुमार ने कहा, तो वो आनंद नहीं मिलेगा, वो सैक्रिफाइस भी हृदय से नहीं होगा। तो इसलिए पहले जो बहुत बड़ा काम करने के लिए सोचते हैं, त्याग का काम करने के लिए सोचते हैं, अपने आप को निर्धारित करना है कि मेरा जीवन कैसा होगा, उसके लिए मैं कैसा मैं प्रस्तुत करूंगा। इसलिए अगर आप शादी भी करना चाहते हैं, तब भी वो शादी कैसा होना है उसके भी बारे में भी श्री अरविंद बोले। वो बोले हैं कि साधारण जीवन अगर यापन करने चाहते हैं तो ऐसा नहीं है किसी को भी शादी कर लीजिए, जो सुंदर लगता है, जो अच्छा लगता है शादी कर लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप त्यागपूर्ण महान काम में नियोजित होना चाहते हैं, आप जिस प्रोफेशन में रहते हैं उस प्रोफेशन को अगर वो ध्यान नहीं करते, अगर मैं देश सेवा के लिए उच्चर्ग करना चाहता हूँ, जिसको मैं शादी करूंगा वो भी देश प्रेमी होना चाहिए। अगर वो देश प्रेमी होंगे तो आप जब देश के लिए लड़ते हैं तब वो नहीं बोलेगा मेरा साथ मार्केट चलो, तुम या उधर क्या करते हो, मैं क्यों शादी किया, मेरा समय यहाँ बर्बाद आ जाता है, तुम वहां क्या करते हो। वो खुश हो जाएंगे क्योंकि वो भी देश प्रेम करते हैं। आप जितना ज्यादा वहां पे लगते हैं उतना ज्यादा वो घर का रेस्पॉन्सिबिलिटी आनंद से करेगा। वो सोचेगा मैं इसी हिसाब से देश का सेवा करता हूँ, इसी हिसाब से उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो वो अच्छा से काम करेगा। वो अगर टेंशन में रहेगा तो देश का सेवा कैसा होगा। तो मेरा बात है कि घर का संभालना है, कभी भी उनको ऐसा महसूस करना नहीं देना चाहिए कि घर में कुछ नेग्लेक्ट हो जाता है मेरे लिए, मैं वहां कर नहीं पाता हूँ, तो उनका मन भटक जाएगा, वो कभी भी अच्छा से सेवा नहीं कर पाएगा। तो आप अगर देश सेवा के लिए काम करने के लिए जाते हैं तो उसी हिसाब से मैरिज करना चूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो कितना सुंदर है, वो कितना ये है, वो है, वो सब छोड़ना चाहिए। अगर आप पुलिस सर्विस में है तो यहाँ कब ड्यूटी बनता है कब नहीं बनता है पता नहीं। रात में अगर निकलना पड़ेगा तो निकल जाएंगे, कब आपको ही पता नहीं। तो उसी हिसाब से घर को भी तैयार करना है, बच्चे लोग को भी बोलना है कि मेरा जॉब ऐसा है कि तुम लोग प्रस्तुत हो रहे। अगर मुझे भी कुछ मौका मिलता है तब जरूर आऊंगा, आप लोग का साथ दूंगा, लेकिन वो सेकेंडरी चीज है, फैमिली सेकेंडरी है, मेरा प्रायोरिटी है देश का। मैं ऐसा नहीं है कि मैं उधर बैठकर एंजॉय करूंगा, फैमिली आए आऊंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जब देश का काम होता है कि जब मेरा फिजिकल प्रेजेंस का जरूरत होता है तब मत बुलाओ, ऐसा एक समझौता घर का साथ होता है। और एक चीज, भगवान को अगर प्रेयर करेंगे कि मैं तो भगवान काम के लिए अपने जीवन को उच्चर्ग कर रहा हूँ, उनको थोड़ा आप प्रिपेयर कीजिए, वो भी मिरेकल होता है। अगर आपका अंदर में उतना फेथ है, आपका अंदर में इतना स्पिरिचुअलिटी का अगर ओपननेस है तो उसका पावर बढ़ जाता है। ये देखिए, यहाँ पर श्री अरविंद जी जो हैं उनके साथ जो योग है उसके रिलेटेड कार्यक्रम यहाँ किया गया है, क्योंकि पुलिस का जो जीवन है बहुत ही तनावपूर्ण रहता है, और जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ रहा है, लोगों की, जनता की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो उसमें पुलिस कर्मी के को समय निकाल करके किस तरह से अपने वर्क लाइफ बैलेंस को बनाना है, जो वो कार्य कर रहा है, देश के लिए जो कार्य कर रहा है, सरकार के लिए जो कार्य कर रहा है, देश की जनता के लिए जो कार्य कर रहा है, और साथ में उसका जो पर्सनल जीवन है
उसमें कैसे बैलेंस बनाना है उसके बारे में लोगों को बताया गया, मेडिटेशंस के बारे में बताया गया, क्योंकि योग जो है कैसे आध्यात्मिक जीवन जो है उसे अपने कार्य करते करते उसके आध्यात्मिक जीवन भी जीना है, उसके लिए उसे जीवन को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो अपना कार्य करते करते किस तरह से अपनी चेतना को अगले लेवल पर लेके जा सकता है, ये सब बताया गया। और काफ़ी गोरखपुर में जितने भी पुलिसकर्मी थे, जितने भी जीओस थे और नॉन जीओस थे, सबने अटेंड किया इसको और सबने इसकी सराहना की है और सब लोग इसका प्रयोग करेंगे और जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने का प्रयत्न करेंगे।